प्रोग्राम सिख इतिहास की महान गाथा विच आप जी का निघा स्वागत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज 28 अगस्त की सिख गाथा विच आपां विचार करांगे कि सिख की उपमा की है। इस प्रोग्राम के अखीर विच एक सवाल भी पूछा जाएगा जिसका सब तो पहला ठीक जवाब भेजन वाला दर्शक होवेगा साढ़े इस प्रोग्राम का विजेता, तो उसनों भेजा जाएगा साढ़े इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स वालों आकर्षक इनाम। सिख इतिहास के प्रचार ते प्रसार वास्ते इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर किया है कुंवर जपिंदर सिंह जी, सीनियर BJP लीडर देहरादून उत्तराखंड ने, अते सरदार कृपाल सिंह जी, अमनकार ब्यूटी हरिद्वार रोड ऋषिकेश ने। आप जी ने यह प्रोग्राम पूरा सुनना है ते नाल ही साडे यूट्यूब चैनल, डेली मोशन चैनल अते फेसबुक पेज नूं सबसक्राइब, लाइक ते फॉलो भी जरूर कर देना जी। तो आओ हुण करिए आपां अज दे इतिहास दी विचार। सिख धर्म गुरु नानक देव जी वल्लों चलाया गया सर्वोत्तम ते नवेकला धर्म है जिस विच किरत करो, नाम जपो ते वंड छको की प्रधानता है। सिख की उपमा विच गुरु ग्रंथ साहिब जी ते थां थां ते बहुत ही सुंदर शब्दों के लिखा मिलता है, जिमें कि गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहें। अते किते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ए भी कहा गया है, जो जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निम निम लागू पाए जीव। मतलब ये कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का शायद ही कोई अंग होवे जिथे गुरु सिख जां प्रभु की उपमा ना की गई होवे। गुरबाणी ये भी कहती है, गुरसिखा इको प्यार गुरमित्तां पुत्तां भाईआं, भाव गुरु साहिबान दीआं नज़रां विच गुरसिख गुरु साहिब जी के पुत्रां तों वी किते वध के प्यारे हन। इसे करके तो गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रां दी थां ते अपने सेवक नूं ही गुरगद्दी दित्ती सी अते अपने सिखां नूं भाई वर्गे अति सत्कारयोग शब्दां दे नाल संबोधन किया सी, जिस तरह भाई लालो जी, भाई मरदाना जी और भाई लहणा जी। ये सब शब्द गुरु साहिब जी दे मन विच अपने प्यारे गुरसिखां प्रति प्यार ते सत्कार दा प्रगटा हन। कहिंदे हन कि कितों भी प्यार ते सत्कार प्राप्त करना होवे ना ते उहदे योग बनना पैंदा है, ते गुरु दे सिखां ने गुरु दे प्यार ते सत्कार दे पात्र बन लई हर वेले गुरु दे हुकमां नूं खिड़े मत्थे प्रवान किया है। भले ही इस दे वास्ते उन्हां नूं अपनी जान तक भी क्यों ना वारनी पई होवे, पर गुरु दे सिख कदे भी पिछे नहीं हटे। उदाहरण वजों कोई एक दिन लई भी अपना घर परिवार नहीं छड़दा, परंतु जरा सोचो भाई मरदाना जी अते भाई लहणा जी दे बारे किन्नी वड्डी कुरबानी सी इन्हां गुरसिखां दी, जिन्हां ने गुरु हुकमां दी पालना करदिआं होइआं सारी उम्र लई अपना घर छड्डिआ ते गुरु चरणा विच ही सारी उम्र बतीत कर दित्ती। 62 साल की उम्र विच तां हर इंसान नोहां पोतरियां नाल भरे पूरे परिवार के सुख लेना चाहुंदा है, पर धन हन बाबा अमरदास जी जो 62 साल की उम्र के इस आखिरी पड़ा ते भी अपने गुरदेव लई गागर पानी की ढो रहे हन। बाकी सब धर्मां विच चाहे धर्म गुरुआं ने चेलियां नूं अपने पेट पूर्ति का साधन ही समझिया होवे, पर सिख धर्म विच गुरु साहिब लई अपने सिख इन्ने प्यारे हन कि गुरु अमरदास जी अपने सेवक भाई जेठा जी नाल अपनी सपुत्री बीबी भानी जी की शादी कर देंदे हन। इस नाल ये साबित हो जाता है कि गुरु घर विच निजी परिवारां नालों सिखां दी महानता किते ज़्यादा है, ते सिखां दी भी गुरु लई कुरबानी बेमिसाल है। इत्थों तक कि जदों भाई मती दास ते भाई सती दास जी या भाई दयाला जी नूं शहीद किया जा रहा सी तां उन्हां दी उस वेले इक्को एक ही मनशा सी कि साडा शहीद हुंदिआं समें मूँह गुरु वल होवे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तां सिखां नूं इन्ना माण बख्शिया कि पहलां आप पंजां प्यारिआं तों अमृत छकिआ ते फिर पंजा प्यारियां तो अमृत छक के ये कह दिता, वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। इसका मतलब ये है कि गुरु के घर विच सिखां दी बहुत वड्डी महानता है, गुरु नूं अपने सिख बहुत ही प्यारे हन ते तहन हन वह गुरसिख जेड़े गुरु तो अपने आप को निशावर करने लई हर वक्त तैयार रहिंदे ने। और ऐसे ही सिखां नूं गुरबाणी दे विच भी याद किया गया है, तो असी अरदास दे विच भी जद कहिंदे आ जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चाढ़े गए, आरियां दे नाल चीरे गए और सिक्खी सिद्ध केसा सवासा संग नभाया,
ऐसे सिखां दी गुरमत दे विच बहुत महानता है। अज सिर्फ इन्ना ही, ते हुण कल पुछे गए सवाल दा ठीक जवाब है। SGMBT नूं मारन दे दोष विच सरदार बचन सिंह बब्बर नूं फांसी दी सज़ा होई सी। ਇਹ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਾਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 88 376 90 192 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ BJP ਲੀਡਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਕਾਰ ਬਿਊਟੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਰੋਡ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 88 376 90 192 'ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।